फिर से कुछ मसला हो गया। यू शुडंट बाय इट, क्योंकि ये कहीं पे भी आपका साथ छोड़ सकती है। क्या चाहती है? सिलेंडर गैस के नाथ हेड गैस के लीकेज, इंजन उतारना है इसका नीचे। दैट्स अ हेक्टिक वर्क। क्या था? So guys, it takes 10 years. 10 years? I guess. It takes 10 years. ऐसे पहुंचते कहां से कहां पहुंचे इसको ऐसे? Wow. It takes 10 years from this to this. What is this? I mean to say, हम पहले बचपन में रेड़ा चलाते थे। कि हमारे पास कुछ होता नहीं। आज क्या चला रहे हो? उसके बाद हमने स्कूटी लाई, स्कूटी भी कहा, उसके बाद हमने हगर चलाया, हगर रेडा, देन हमने साइकिल लाया, उसके बाद रेडा चलाया, रेडा बोलेंगे ना, रेडी, उसके बाद स्कूटी, उसके बाद वो, उसके बाद ये। उसके बाद इंशाल्लाह 10R के बाद फिर के साथ। और आज का वीडियो बेसिकली इज अबाउट हमारी सर्विसिंग होने वाली कावासाकी की Z800 की, और हमारी जो की भी सर्विसिंग होने वाली, क्योंकि इसमें इंजन ऑयल लीक हो रहा था, उसके बारे में हमें पता नहीं कैसे उसका हम करेंगे चेकअप और जानेंगे क्या मसला है। लेट मी चेंज रेड टायर की बहुत गंदी कंडीशन हो रखी है, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा वाहियात कंडीशन है। और ये है वो नया टायर लगाएंगे इसमें, ये है खुद में नहीं लगाना है, बाइक में लगाना है यार। और ये कौन है? इनसे आपने इंट्रोडक्शन नहीं करा? ये आपकी भाई हमारे, आपने अगर मास्क उतार के देखेंगे आप, लेकिन उतारना नहीं चाहते, थोड़ा बीमार हूं यार। फिर से कुछ मसला हो गया। बाकी भाई आप क्या रिव्यू दोगे? रिव्यू दे देंगे, इनका सारा मार्केटिंग ही बैठ जाएगा। एक नंबर की बेकार बैटरी आप बोल सकते हैं, साइड की बैटरी बिल्कुल बेकार बैटरी। यू शुडंट बाय इट, आई मीन इट्स क्रेजी मैन। कभी भी साइड की बैटरी ना लें, क्योंकि ये कहीं पर भी आपका साथ छोड़ सकती है। हाँ तो दूर की बात है, साथ ही छोड़ रही है फिलहाल। ओह थैंक गॉड, वी आर मिस्ट्री, वी टोल्ड यू गाइस वी आर द इंटरनेट मैकेनिक्स। टायर और बाकी कैमरा इक्विपमेंट की वजह से आई हैड टू ब्रिंग द कार, सो या लेट्स गेट इट डन। तो सर हमारे फैन मिले थे, तो हमें इसको तेल डालना था। अब कहाँ पे फ्लाई बाय करना है? बोला ना वो तो स्ट्रेट रोड पे, स्ट्रेट रोड इधर नहीं। ओए ये फैन है यार, क्या हुआ तुम्हें? And so I thank all of you, and I am, because you are. यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक होता है, रोड अच्छा नहीं है, तो उस वजह से हमको बड़ी गियरों में चलना पड़ता है, that's why. Okay, so let's go. Meet you there. Yeah. तो फाइनली हम पहुँच गए इधर। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, बाइकें दोनों गर्म हो गई है ज़्यादा ही,
यहाँ से देख रहे हो आप ये ऑयल है ये अचानक मुझे दिखा दिया یہ چھا تہ سلینڈر گیس کے نتھ ہیڈ گیس کے لیکیج لیکیج سوئچ نہ بند ووت ونکس نن نہ کی ایکچوئل لیکیج کتا چھ گسان یلی وہ انجن گسان واش بات نن پانے اس کی سوری انجن ہیڈ پہ ما ہیڈ تہ بلاک تہ پلٹ ویت ونکنس اور کولنٹ بھی اس کا لیک ہو گیا پورا یہ کا تھا یار پھشم مستا وے تھگ دے तो इसका थोड़ा वॉश करना है इंजन के साइड जहाँ से लीक हो रहा है यहाँ पे गाइस मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ मैं नीचे कर लंबा नहीं हूँ मैं इसकी बात क्या है अब इस बाइक को उधर छोड़ना है केटीएम के शोरूम पे एक्चुअली इसका जो है यहाँ से इंजन ऑयल लीक हो रहा है इधर से इंजन ऑयल लीक हो रहा है इसका तो यहाँ से इंजन ऑयल लीक हाँ दैट मींस कि गैस में शायद कोई इशू हाँ मैकेनिक ने चेक किया उसने बोला प्लग भी हो सकता है या तो कोई हो सकता है ये इसका गैस्केट है सील होती है वो सील हाँ इंजन की जो हो सकता है वो लीक हुई हो तो जो भी होगा ये इंजन पहले कल चेक करेंगे प्लग को चेक करेंगे अगर उधर से लीक हुआ तो उसको रिप्लेस करेंगे अगर इंजन में कुछ फॉल्ट हुआ तो इंजन उतारना है इसका नीचे That's a hectic work. 6 दिन लग सकते हैं इन्हें कहा है उसके बाद ये सेट हो जाएगी इसके बाद हमें टायर भी चेंज करना है इसका हाँ टायर हमने इधर ही पे रख दिया है वहाँ पे तो टायर तो मैं ही चेंज कर हाँ इन्हें क्या बोल दिया है टायर हम चेंज करके रख देंगे ड्यूक को हम मे बी कुड टेक 3 or 4 डेज बिजनेस डेज